बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कसा तंज। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के केंद्र सरकार के अगस्त तक के वैलिडिटी को लेकर दिए गए बयान, बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव सपना देखना बंद करें और उनका ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है, वह हवा में बातें कर रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 75वां वन महोत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में 18वीं लोकसभा के गठन में मतदाताओं ने अपना वोट देकर सरकार बनाने का काम किया है और यह सरकार 5 साल तक चलेगी। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, नित नए नए बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो बातें कर रहे हैं उचित नहीं है। लालू जी हवा में बात कर रहे हैं। देश की जनता ने चुनाव जो लोकसभा का हुआ है, 18वीं लोकसभा जो हमारा गठित हुआ जा करके है, देशवासियों ने मत दे करके 5 वर्षों के लिए मतदान देने का काम किया है और अभी एनडीए की सरकार गठित हो गई है। यह सरकार 5 साल चलेगी जा करके। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं जा करके। अब नित्य दिन नई नई बात करते जा करके, लोकतंत्र में जो बात कह रहे हैं उचित है नहीं जा करके। जनता ने सरकार बनाई है, हम एनडीए के द्वारा चुनाव मैदान में विकास के एजेंडे को लेकर गए थे। माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किया था उसके आधार पर हमें बहुमत मिला है जाकर के, हम सरकार चला रहे हैं जाकर के। 23 तारीख को पहला बजट पेश होने जा रहा है जाकर के है। अरे सरकार स्थायी सरकार है, 5 वर्ष का काल का पूरा करेगी। लालू यादव जो सपना देख रहे हैं, सपना पूरा होने वाला नहीं है जाकर के। अब लालू प्रसाद कह रहे हैं, उनके बातों में कोई दम नहीं जाकर के। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं, उसके आधार पर बहुमत मिला है, जनता ने सरकार बनाई है और हम सरकार चला रहे हैं। यह सरकार अस्थाई सरकार है और पूरे 5 साल तक चलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के केंद्र सरकार के अगस्त में गिरने के बयान में कितनी हकीकत है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि मानसून के इस मौसम में इस बयान से सियासी बयानबाजी तेज कर डाला है। मैं आग्रह करूंगा कि उसको निश्चित तौर पर पहल करेंगे। अभी वृक्षारोपण के माध्यम से हम सब एक संदेश भी देंगे कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए, इस धरती के लिए कितना जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मां केला में पेड़ लगाने का जो एक अभियान चलाया है, तो उसके जीवन में एक बड़ा उदाहरण है। उसी प्रकार से वृक्ष भी मां के समान है और मल्टी डायमेंशन में एक वृक्ष मनुष्य जीवन जी के इस अभियान में हम सब शामिल हो, इन शुभकामनाओं के साथ। और कटिहार विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर प्रेम कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन। और वीर कल्याणीगंज में जो 2100 एकड़ जमीन है जिसे आप बॉटनिकल गार्डन के रूप में, जूलॉजिकल गार्डन के रूप में उसे अमलीजामा पहुंचाने का, अमलीजामा पहुंचाने का काम आग्रह करूंगी कि वो ही आए और 2 शब्द हमारे साथ साझा करें।